को बारिश के बाद भी भारत ने नीदरलैंड को ऐसे हराया। जी हाँ दोस्तों, भारत और नीदरलैंड की टीम के बीच वर्ल्ड कप का दूसरा वार्म अप मैच खेला जाना था, लेकिन दोस्तों आपको इससे पहले बता दें कि नीदरलैंड की टीम ने इससे पहले भारत की एक लोकल टीम से मुकाबला खेला था और उस मुकाबले में भारत की एक लोकल टीम ने नीदरलैंड को काफी बुरी तरह हरा दिया था। और इसके बाद नीदरलैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ था और उस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को बुरी तरह धो दिया था। हालांकि नीदरलैंड का वो मुकाबला बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था और दोस्तों भारत की लोकल टीम ने तो नीदरलैंड की टीम को बुरी तरह हरा दिया था। ऐसे में दोस्तों उनका भारत से आज मुकाबला खेला जाना था, लेकिन बारिश की वजह से ये मुकाबला भी नहीं हो पाया। जी हाँ दोस्तों, ये मुकाबले में एक गेंद तक फेंकी नहीं गई और इस मुकाबले को बिना टॉस किए ही ड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले में शुरू से लेकर एंड तक बारिश हो रही थी। जहां ये मुकाबला भारत और नीदरलैंड की टीम के बीच तिरुवनंतपुरम में खेला जाना था, लेकिन वहां का मौसम पूरी तरह खराब था और हमें ऐसा ही देखने को मिला। भारत का दूसरा वार्म अप मैच भी बारिश की वजह से धुल चुका है, यानी कि दोस्तों वर्ल्ड कप से पहले भारत का एक भी ढंग से वार्म अप मैच नहीं हो पाया, जहां भारत ने दोनों ही वार्म अप मैच में एक गेंद तक नहीं खेली। ऐसे में दोस्तों वर्ल्ड कप के पहले भारत का कोई भी वार्म अप मैच नहीं होना भारतीय टीम के लिए थोड़ा अनलक्की साबित हो सकती है। हालांकि दोस्तों अब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ सीधा पहला वर्ल्ड कप का मैच खेलेगी। हालांकि दोस्तों भारतीय टीम इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रही है और भारत के सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में दिख रही है। ऐसे में दोस्तों भारत की टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए बहुत दावेदार भी माने जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अब भारत का वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाएगा और दोस्तों ये मुकाबला चेन्नई में होगा। ऐसे में दोस्तों वो मैदान स्पिनरों को ज्यादा सूट करती है और ऐसे में हम देख सकते हैं कि उस मैदान पर अश्विन जडेजा समेत कुलदीप यादव भारत के तीनों गेंदबाज उस मुकाबले में खेल सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला ये पहला मुकाबला वर्ल्ड कप का जीत पाएगा? चाहते थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो हमें जरूर फॉलो करें। थैंक यू।